शंकरम शंकर तेरे जटा से बयती हो गंगा दारा माते में चंदा जटे। हाय गाइस, आज हम जाने वाले हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है जो एमपी में है, और पंचमढ़ी कैसे जाना है वो मैं आपको बता दूं तो पंचमढ़ी जाने के लिए आपको सबसे पहले जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है पिपरिया। जैसा आप देख सकते हो तो मैं पिपरिया आ चुकी हूँ। पिपरिया से आपको सामने बस स्टैंड है, वहाँ से बस मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी जाने के लिए पंचमढ़ी के लिए। तो हम आज बस के थ्रू जाने वाले हैं। पिपरिया से पंचमढ़ी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। अगर आप पिपरिया से पंचमढ़ी जाते हैं बाय बस तो पर पर्सन का टिकट आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर आप कार वगैरह लेकर जाते हैं तो आपको 1,500 से 2,000 तक पे करना पड़ सकता है। पिपरिया से पंचमढ़ी पहुंचने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाता है, और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में होते हुए हम पंचमढ़ी पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पंचमढ़ी, और यहां आपको टैक्सी जिप्सी मिल जाएगी आपको यहां पंचमढ़ी घुमाने के लिए। अगर आपको जटाशंकर सिर्फ देख घूमने के लिए जाना है तो आप वॉकिंग भी जा सकते हैं। यहाँ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है जटाशंकर पंचमढ़ी में बस स्टॉप से। पर अगर आप जिप्सी वगैरह लेते हैं, क्योंकि और भी स्पॉट्स आप घूमोगे अगर वहाँ जाओगे, तो आपको शेयरिंग में 600 और इंडिविजुअली आपको 1200 तक पे करना पड़ सकता है। तो हम अभी आ गए हैं जटाशंकर, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल बेलपत्र वगैरह अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप बाहर से ही ले सकते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी मार्केट लगी रहती है। तो जटाशंकर तक पहुंचने के लिए अभी भी आपको वॉक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू ही कितना प्यारा है, और जैसे जैसे आप वॉक करते जाएंगे आपको और अच्छा व्यू नज़र आने लग जाएगा। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर तक का वॉक करना पड़ता है। झंडा दिख रहा है वो पूरा गणेश जी की सूंड दिख रही है, मतलब गणेश जी की पूरी मूर्ति आपको दिख जाएगी। और ये सब चीज़ें यहाँ पे नेचुरली बनी है, इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये कितना पुराना है भैया? ये हजारों लाखों साल पुराना है। हजारों लाखों साल पुराना है? उससे पहले मतलब क्या था यहाँ? यहाँ पहले समुद्र था हजारों लाखों साल पहले। ऐसा बोला जाता है कि हजारों लाखों साल पहले यहाँ पे समुद्र था। और अब ये देखिए जो गणेश जी की प्रतिमा, उसके ठीक सामने एक आंटी हैं जो बहुत अच्छा सा शिव जी का मंत्र गा रही हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात, अच्छा गाती है आंटी। आप कितने साल से हैं यहाँ? 50 साल। 50 साल हो गए? पहले तो वो पत्थर में बैठी रहती थी। अच्छा, अब ये वाले पत्थर में बैठी रहती। ये पत्थर के ऊपर बैठती थी पहले? यही बैठती थी। हाँ, टीवी में भी देखी होंगी, सोनी में। हाँ हाँ, देखते हैं। अच्छा, ये वाला गाना है। शंकर तेरे जटा से बयती
गड्ढे में गंगा, गले में सरीपा की माला, हाये तिलसुला डमरू वाला, चंदा करे जग में उजाला, चंदा करे जग में उजाला। आंटी का भजन तो हमें बहुत अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ये जंगली प्याज का जो ऑयल है ना, जॉइंट में जिन्हें पेन होता है ये उसके लिए, तो फेस छोड़ के बॉडी का कैसा भी पेन हो तो तेल चाहो तो आप अभी लगा करके चेक कर लो, तो इससे 5-6 मिनट में रिलीफ होता है। मगर यदि हम इस तेल को रेगुलर 40 डेज वहाँ मसाज करें तो दोबारा इससे पेन रिपीट नहीं होगा। तो ये जंगली प्याज का ऑयल है जॉइंट पेन के लिए। तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर और इन गुफाओं को देख के इतना अच्छा लगता है। ऐसा कहा जाता है इस टेंपल के बारे में कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसे शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वो किसी के ऊपर भी हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, और वो उसका फायदा उठा के शिव जी पे ही हाथ रखने लग गया और शिव जी भाग के यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग किया था, ऐसा कहा जाता है इस टेम्पल के बारे में। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए, हजारों साल से ये पत्थर इन दो पहाड़ियों के बीच में इस तरीके से है और ये पूरा एक शिवलिंग का आकार है, और इस तरीके से हमें अंदर की तरफ जाके इसके दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पानी है, इस पानी में कहते हैं कि अगर कोई नहा ले तो यहाँ उसके स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाती है, और काफ़ी लोगों के काफ़ी सारी बीमारियाँ भी सही हुई हैं इस पानी को पी के। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, अगर आप इन्हें अंदर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे शेषनाग का फन है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें गाइड ने बताया और हमें ऐसा फील भी हो रहा था। और ये जो यहाँ से ये पानी जा रहा है, ये गंगा का पानी है। और ये गुफा अंदर की तरफ काफ़ी लंबी जाती है, लगभग 13 किलोमीटर के लगभग ये गुफा जाती है जो गुप्त महादेव में जाके मिलती है, और ये गुप्त महादेव वो जगह है जहाँ पे शिवजी जाके छुपे थे। शिव जी के इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिंपली शिल्पी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।